हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप राम मंडल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग असम एंड फिशिंग। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं गांव में और ये विष्णुपुर, और यहां पर हम लोग अभी फिशिंग करने वाले हैं और बहुत सारे मछली पकड़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है और एक्सपर्ट भी आने वाला है, वो पकड़ेंगे, तो बहुत एक्साइटेड हूं। उसके बाद हम लोग जाएंगे नदी में नहाने के लिए, यहां पे खाएंगे और इस गांव का जो है नज़ारा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मछली पकड़ने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा जो है गाँव घूम लिया, और देखिए इतना प्यारा जगह है ना दोस्तों। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल नहीं डाला ताकि आप लोग इस नेचर का पूरा आनंद उठा सकें। और देखिए एकदम हरियाली है, ये पूरा धान का खेत है, और साथ ही में बगल में रिवर भी था, वहाँ पे हमने नहाया भी है। ये एक मेरा छोटा सा भाई है जो नहा रहा है, और हम लोग पीछे बैठे हैं। आप अगर अच्छे से देखोगे तो पीछे हम लोग मस्त बैठे हुए हैं। रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको, वो दूर पर हम दोनों बैठे हुए हैं। और ये फ्लावर आपने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये बिल्कुल जो है नदियों में और बाकी अलग अलग जगहों पे होता है, तो हम लोगों ने एकदम कलेक्ट किया इतना सारा। बहुत ही प्यारा लग रहा है और क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हरियाली है। तो यस, हम लोगों ने बहुत ही मज़े किया, और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा मछली पकड़ने। तो जैसे ये उतरा और मछलियों का देखे ना कूदना, मतलब देख कर ही मज़ा आ गया। तो अभी ये छुटको जा रहा है अपने पापा के साथ मछली पकड़ने के लिए, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है इनका और क्या क्या मछली पकड़ के लेकर आते हैं। तो हम सब इधर बैठे हुए हैं और देख रहे नज़ारा कि किस तरीके से मछली पकड़ रहे हैं ये लोग। तो ये जो आप देख रहे हो पॉन्ड, ये काफ़ी बड़ा नहीं है बट स्टिल काफ़ी अच्छा है इसका साइज़, और इसमें काफ़ी मछलियां हैं, इन लोगों ने सब पाला हुआ है। तो ये लेकर आ रहे हैं, देखते हैं, बहुत एक्साइटेड हो क्या क्या मछली मिला है। एक्चुअली अंकल के हिसाब से बोल रहे कि बड़े जो मछलियाँ थी वो सारे निकल गए, क्योंकि ये चुटकू गया है, इसको ठीक से पकड़ना नहीं आता है। बट फिर से और एक अटैम्प्ट करने जा रहे हैं ये लोग, तो देखते हैं इस बार कॉर्नर से करने वाले हैं, देखते क्या करते हैं। तो चले गए इस कॉर्नर में, क्योंकि इनका कहना है कि सारी मछलियाँ जो इधर आ चुकी है। तो देखते हैं, इधर ये अपने जाल को जो है बिल्कुल कोने तक सरका लेंगे और फिर धीरे धीरे खींचेंगे। ओ वाओ, सारी मछलियाँ कूदने लगे हैं। तो ये कोशिश करें कि किनारे से मछली पकड़े, लेकिन एक्चुअली में जो ये फिशिंग नेट है बड़ा वाला, ये चुटकू से नहीं संभला जा रहा है। तो इसके लिए फिर उतरे दूसरे अंकल। अब जो है पूरी उम्मीद है कि हमें काफ़ी सारी मछलियाँ मिलने वाली है। तो फाइनल एक बहुत ही बढ़िया सी मछली और बड़ी सी मछली मिल चुकी है जिसको इनकी तलाश थी। और ये देखिए ऑलमोस्ट 1 kg इसका लग रही है ये। तो देखते हैं इधर देने वाले, ये गया। वाह, बढ़िया है रे। आप देख सकते हो इस मछली की क्वालिटी कितनी बढ़िया है, एकदम फ्रेश है, कहीं से भी कोई घाव नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इन लोगों ने जो है यहाँ पाला हुआ है। तो बहुत फ्रेश मछली है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैं भी पकड़ने वाला हूँ, और ये बता रहे कि ग्लास कार्प फिश है, तो वैसा रोहू जैसा दिख रहा है। और इधर भी एक और मछली है, देखिए। तो ये बताइए इस मछली का नाम क्या है, आप लोग को पता है तो। बहुत ही प्यारी सी है, और ये भी शायद 250 ग्राम ऐसा होगा, और ये काफ़ी बड़ी होती है मछली भी। तो दो मछली अभी तक हमें मिल चुकी है, और इधर हमारे पास है एक केकड़ा बहुत ही ख़तरनाक सा, और ये दिखने में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखिए एक और इनको मिल गया। तो जब से अंकल गए तब से हमें धराधर मछलियाँ मिलती जा रही है। तो ये भी मछली जो है वही मछली है, सेम वाली। रोमस तो मछली इतना बड़ा बड़ा, ये है, क्या है मछली का नाम? और भी बहुत बड़ा होता है ना ये, अभी तो शायद ये आधा केजी कुछ ऐसा केजी का है ना, 1 kg ऐसे। बीस्टी भैया। तो यहाँ पर भी काफी सारी मछलियाँ देख सकते हो आप, बहुत सारे, 4-5। तो जो छोटे मछलियाँ उनको वो फिर से डाल दे रहे हैं, क्योंकि वो छोटे हैं तो उनको और भी ग्रो होने देंगे, क्योंकि ये मछलियाँ काफ़ी बड़ी होती है, लाइक 1 kg, 1.5, 2 ऐसे जाती है। एंड ये है रोहू कतला, आपने सुना रहेगा, तो ये कतला फिश है। तो ये छोटी वाली है, बहुत प्यारी सी है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मछली सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारा मछली पकड़ा हम लोगों ने आज, ग्रेट।
तो इतने सारे मछलियाँ तो पकड़े हैं हम लोगों ने यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2-3 केजेस के मछली होंगे, आराम से होंगे। की करता सो? क्या कर रहे हो? हाँ कम तो खा लो सो। इतने बहुत बड़ा बोल रही थी तो। उधर की मावा तुमने कहा मछली, बड़ा बड़ा मछली पकड़ लिया हम लोगों ने। कहाँ रहते हो? यहाँ पे। तो दोस्तों ये फाइनली मछलियों को हम लोग वॉश कर लेंगे और अपने अपने घर पे सब लेकर जाएंगे। तो ये जो जर्नी था ये काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने देखा, मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक चीज़ दिखाऊं। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियोस देखना तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हूँ, बाय।